हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और हॉरर गेम प्ले में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का गेम प्ले। तो गाइस आज हम मास्क का लास्ट पीस और कलेक्ट करने वाले हैं। तो ठीक है गाइस, हमारा गेम प्ले स्टार्ट हो चुका है और हम कार में बैठकर निकल चुके हैं स्कूल के लिए, और हमारा स्कूल भी आ चुका है। मैं ना इंट्रोडक्शन को क्या स्किप नहीं करता, क्योंकि हर किसी को पता चलना चाहिए ना यार स्टोरी क्या है इस गेम की, इसलिए मैं हर बार इसके इंट्रोडक्शन को स्किप नहीं करता। तो ठीक है भाई, हर बार की तरह नन अपन को धोएगी भी। तो भाई जल्दी से धो दे नन, फिर मेरे को लास्ट पीस और कलेक्ट करना है। तो ठीक है गाइस, हमारा डे वन स्टार्ट हो चुका है। फिर से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने में आ रहा है, लेकिन मैं हमेशा की तरह इसको नहीं पढ़ूंगा। तो चलिए चलते हैं बाहर की ओर। सबसे पहले मैं इस स्कूल की इलेक्ट्रिसिटी को चालू करूँगा। इसमें तो कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी मिल जाता है यार, लेकिन हर बार नहीं मिलता इसमें कुछ भी। इसमें क्या है भाई, इसमें भी खाली है अभी। इसमें हमेशा झाड़ू मिलता है मेरे को। तो ठीक है भाई, इधर से चलेंगे अपन। उधर से मेरे को नन का डर लगा रहता है भाई, क्योंकि वो एकदम से आती है ना तो उस दरवाजे को ही खोलती है सबसे पहले, और मैं नहीं चाहता कि मैं पहले राउंड में मारा जाऊँ। तो ठीक है भाई, सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी को चालू करूँगा। सबसे पहले मैं स्मॉल केबल को लेने जा रहा हूँ भाई, कौन से ड्रॉर में। चलो पहले ड्रॉर में मिल गई मेरे को स्मॉल केबल। अब जल्दी से मैं इसे इलेक्ट्रिक पैनल के अंदर फिट कर दूँगा। ये कर दी मैंने फिट और इलेक्ट्रिसिटी चालू हो चुकी है पूरे स्कूल की। अब जल्दी से नीचे चलते हैं भाई, मैं नन को देख लेता हूँ, आ तो नहीं रही ना। चलो नहीं आ रही। चलो भाई, अब जल्दी से मैं स्विच को चालू कर दूँगा। कहाँ है भाई नन? मेरे को लग रहा है जैसे नन है भाई यहाँ पे। बड़ी सतर्कता से मुझे काम करना पड़ेगा। मेरे को पता था भाई यहाँ पर नन है, मेरे को पता था, मेरे को साउंड आ गया था पहले ही। ये रही भाई वो नन। चलो भाई जल्दी से निकल लेते दूसरी ओर से। भाई हर बार मेरे को बच के रहना पड़ेगा भाई इससे, क्योंकि ये लास्ट मास्क का पीस कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी अपन बलून एस्केप कर पाएंगे। तो जल्दी से मैंने स्विच भी ऑन कर दिया है। अब जल्दी से ऊपर की ओर चलते हैं और ग्रेल को उठाकर लाते हैं, क्योंकि मैंने देखा था ग्रेल ऊपर ही है। तो चलो भाई जल्दी से, सबसे पहला काम है अपना ग्रेल को उठाना, तभी अपन को एक नया टास्क मिलेगा। और अब तो आखिरी टास्क शायद डॉल एक्सप्लोजन है। हाँ पता है, तो मेरे को वही है आखिरी टास्क, क्योंकि मैंने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं इसके, बस वो आखिरी टास्क ही बचा हुआ है। तो जल्दी से अपने सीक्रेट रूम में एंटर करते हैं। ये दबाया मैंने बटन, इस दरवाजे को भी बंद कर देते हैं और इसको लॉक भी कर देते हैं। चलते हैं नीचे और जल्दी से एक नया टास्क लेते हैं। ये रहा भाई, यहाँ पर ग्रेल को जल्दी से मैं फिट कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने ग्रेल को फिट, अब जल्दी से मुझे एक नया टास्क मिल जाएगा। डॉल एक्सप्लोजन का ये आखिरी टास्क। टीवी चालू हो चुका है, अभी हमको एक रेसिपी मिलेगी। ये रही वो रेसिपी, एक्सप्लोजन इन द हाइट्स। मेरे को पता था यही मिलेगा, क्योंकि यही है आखिरी टास्क, और कोई टास्क बचा ही नहीं अब। तो चलिए भाई लेकर चलते हैं इस रेसिपी को और डालते हैं इसे एलिवेटर के अंदर। तो ठीक है भाई, ये खोला मैंने लॉक और ये खोला डोर, और जल्दी से चलते हैं और डालते हैं इसे रेसिपी के अंदर। चलते हैं भाई, यहाँ पर नन तो नहीं है ना? चलो नहीं है। चलो भाई जल्दी जल्दी चलते हैं भाई, मेरे को डर लगा रहता है ऐसी जगहों पर, ज़्यादा मिलती है ना अचानक से आती है हथौड़ा मार देती है। तो ये मैंने रेसिपी डाल दी है इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ ही नहीं है बिग लॉकर के अंदर। मेरे को लग रहा है आवाज़ हुई है तो कहीं ना कहीं से तो आएगी। चलो नियारी इस रूम के अंदर देख लेते हैं इसमें। ओ चलो बाइबल की बुक मिल गई, बाइबल की बुक मिल गई मेरे को। पहले ड्रॉअर के अंदर चेक कर लेता हूँ, इसके अंदर तो येलो की है जो कि अपने किसी काम की नहीं है। जल्दी से मैं इस बाइबल की बुक को उठा लेता हूँ, और इसे कहाँ पर फिट करना है ये मुझे पता है। मैंने क्लासरूम के अंदर एक जगह देखी थी जहाँ पर ये फिट हो सकती है। तेरी यार नन, अबे यार इसका साउंड भी नहीं आया, और मुझे और ये यहाँ पर क्लासरूम में पता नहीं क्या कर रही थी। चलो कोई नहीं, अभी अपने पास डे टू है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो ठीक है भाई, यहाँ पर क्या है पता नहीं, कुछ इंग्लिश में नाम भी अजीब सा है, लेकिन यार ये आई एम गोइंग टू बी गुड लिखा आता है ना, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद आता यार।
ये क्या भाई यहाँ पर, एक तो गन पड़ी है और जूते पड़े हुए हैं जो कि अभी पे अपने किसी भी काम के नहीं है। मतलब इनका अपन ने यूज़ पहले ही कर लिया है। इस रूम के अंदर चेक कर लेते हैं भाई, शायद कुछ काम की चीज़ मिल जाए। इसमें भी कुछ ही नहीं है। और इधर इस टॉयलेट में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ ही नहीं है। तो चलो भाई यहाँ पर इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें क्या भाई है। ओ क्रैंक, ओ चाबी मिल गई भाई उस गुड़िया को चलाने की, चाबी मिल चुकी है अपन को। इसे भी इस रेसिपी बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। और वो अपन को बाइबल की बुक मिली थी ना, उसको जल्दी से लेकर के चलते हैं और उसमें फिट कर देते हैं। इस वाले क्लासरूम में वो जहाँ पर ये फिट हो गई है, देखो गाइस पेडेस्टल, पता नहीं क्या है भाई ये, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ खुलने वाला है। ये देखो नया सीक्रेट रास्ता खुलने वाला है यहाँ पे। चलो भाई ये सीक्रेट रास्ता खुल चुका है। यहाँ पर क्या है, पटाखे रखे हुए हैं भाई, क्रैकर्स रखे हुए थे यहाँ पे। तो चलो भाई इन क्रैकर्स को भी उस एलिवेटर के अंदर डाल देते हैं। अब अपन को सिर्फ एक चीज़ और चाहिए, वो डॉल। पता नहीं वो डॉल कहाँ पर मिलेगी, डाल देते हैं इसको भी इसके अंदर। तो चलो भाई आवाज़ हुई है लेकिन नन पता नहीं कहाँ पर है। वोरी 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 भाई नन, देख लिया उसने मेरे को। चलो कोई नहीं, इस नन से मैं नहीं डरता बिल्कुल भी। आ जा नन, तेरी स्पीड तो वैसे भी बहुत स्लो है। चलो भाई इस नन को तो मैं बहुत अच्छी तरीके से चकमा देता हूँ। अब जल्दी से इन लॉकर्स के अंदर भी चेक कर लेते हैं, कभी कभी वो डॉल इनके अंदर से भी रखी हुई होती है। लेकिन कुछ ही नहीं है भाई इनके अंदर, जल्दी से निकल लेते हैं वरना नन अपना बाजा बजा देगी। तो चलो भाई इधर तो चेक कर लिया था मैंने इस लॉकर में, और चेक कर लेते हैं एक बार, इसमें भी कुछ ही नहीं है, अभी खाली पड़ा हुआ है। इसमें भी कुछ ही नहीं है, इसमें भी कुछ ही नहीं है, इसमें भी कुछ ही नहीं है भाई, सारे खाली है, किसी में कुछ भी नहीं है। अरे भाई एक लॉकर तो ऐसा रखो जिसमें कुछ ना कुछ मिले मेरे को काम की चीज़, किसी में भी कुछ भी नहीं है भाई। ओ भाई नन ने देख लिया मेरे को, जल्दी से निकल लेता हूँ यहाँ से। इधर की साइड मैंने अभी तक चेक नहीं किया, इधर और कर लेता हूँ चेक। इस लॉकर के अंदर क्या है भाई, भाई मिल जाओ ना यार कोई काम की चीज़। इसमें भी कुछ ही नहीं है, अभी खाली पड़ा हुआ है, तो रखी क्यों रखे हैं फिर ये, जब इनमें कुछ रखना ही नहीं है तो। इसमें भी कुछ ही नहीं है, अभी खाली पड़ा हुआ है भाई, ऐसे फालतू में रख रखे हैं। अब इस लास्ट लॉकर में और चेक कर लेता हूँ भाई, इसमें भी कुछ ही नहीं है, सारे के सारे बिना फालतू में रख रखे हैं यहाँ पे, कुछ ही नहीं मिलता गाइस इनमें। यहाँ तक तो अपना काम हो गया था, पता नहीं भाई वो डॉल ही परेशानी दे रही है मेरे को। बाकी सारी चीज़ें मिल गई मेरे को टाइम टू टाइम, बस वो डॉल ही नहीं मिल रही। यहाँ पर क्या है भाई, इधर इधर की साइड और चेक कर लेता हूँ मैं, इधर नन तो नहीं है ना भाई, चेक कर लेता हूँ इधर, नहीं है भाई यहाँ पे नन पर, इधर ही है, मैंने देखी थी नन को, यहीं पर ही है। येरी भाई येरी येरी येरी, चलो भाई जल्दी से निकल लेते हैं यहाँ से वरना नन अपना बैंड बजाने में एक भी सेकंड की देरी नहीं लेगी। तो चलो भाई चलते हैं ऊपर की साइड, ऊपर वाले फ्लोर पे एक बार और अच्छे से चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इधर की साइड चेक नहीं किया था। इधर की साइड और चेक कर लेते हैं, इधर क्या है भाई कुछ ही नहीं है। इसमें और चेक कर लेते हैं, इसमें तो झाड़ू रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों नन तो नियरी ना, चलो नियरी। इधर सोफों पर भी देख लेते हैं भाई, कभी कभी इन सोफे पर भी पड़े होती है डॉल वॉल। पहले एक बार मेरे को गन इसी सोफे पर पड़ी मिली थी, लेकिन इस बार तो कुछ ही नहीं पड़ा हुआ। इनमें और चेक कर लेते हैं, इनमें भी कुछ ही नहीं है, इनमें भी कुछ ही नहीं है भाई, सारे के सारे खाली है। पता नहीं कहाँ पर पटक दी वो डॉल, मिली नहीं यार, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। ओ भाई ऑयल की बोतल ज़रूर मिल गई मेरे को, चलो उस एलिवेटर में लगा दूंगा इसको मैं, फिर वो एलिवेटर चलने लगेगा, क्योंकि अभी उस पर जंग आया हुआ है। और ये गोट का हेड यहाँ पर भी मिलता है, ये बहुत सारी जगहों पर मिलता है ये गोट का हेड। अब तो सारी चीज़ें ऐसे मिल रही है, मतलब कि जिनकी ज़रूरत नहीं ना वो ज़्यादा मिल रही है अब, और जिनकी ज़रूरत है वो तो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन कोई नहीं भाई, मैं ढूंढ के रहूँगा, और आज जिस मतलब इस मास्क के पीस को ढूंढ कर मैं उस मास्क को एक्टिवेट कर दूंगा, फिर अपन बलून एस्केप करेंगे। तो ठीक है गाइस, दिल थाम कर बैठिए और मैच का मज़ा लीजिए। ये देखो नन मेरे पीछे पड़ गई फिर से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नन की स्पीड अपनी स्पीड से ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है भाई, मैं जल्दी से इस ऑयल को इसके अंदर डाल देता हूँ। ये लो भाई एलिवेटर चालू हो गया अपना, आ जा भाई नन आ जा,
तेरे से तो मैं मरे नहीं डरता। अब भाई मेरे को डॉल मिल जाए जल्दी से, बस मेरा काम हो जाएगा फिर। इधर रोड चेक कर लेते हैं, इधर पहले मैंने चेक नहीं किया था। नन तो नियरी ना, चलो नियरी कोई दिक्कत नहीं है, इन पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही सही। ये क्या है, क्रोबार मिल गया गाइस मेरे को, क्रोबार। चलिए गाइस कुछ ना कुछ चीज़ तो मिली काम की। ओ भाई यहाँ पर तो ये नन है भाई साहब, इस नन को पहले चकमा देता हूँ फिर अपना काम करूँगा मैं। तो चलो दोस्तों इधर और चेक कर लेते हैं, कभी कभी इनमें भी कुछ मिल जाता है, लेकिन इस बार मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है तो मेरे को नहीं मिला। चलो भाई यहाँ पर छुप जाता हूँ, मेरे को लग रहा है नन बाहर ही है, चली गई होगी यार शायद अब तक तो। चलिए बाहर चल कर देखते हैं, शायद अब तक तो चली गई होगी। चलो भाई चलते हैं बाहर। ये आ गया मैं बाहर। उतरी भाई नन नन भाई, अबे यार फिर से नहीं यार, वही गलती। इसी जगह पर मैं पहले भी मरा हूँ और इसी जगह पर इस बार भी नन ने मेरा बाजा बजा दिया। अब लास्ट डे है भाई, जो भी करना है मेरे को इसी दिन करना है, लास्ट डे बचा हुआ है। अब मेरे को संभल कर खेलना पड़ेगा थोड़ा सा, ये नन बहुत डेंजर होती जा रही है भाई। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, नन की स्पीड और नन का गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे हैं। इधर इधर क्या है भाई, कुछ ही नहीं, इस क्लोजेट के अंदर और एक बार देख लेते हैं। ओ तेरी भाई गाइज, मैं इस रूम में पहले भी आया था लेकिन मैंने इस क्लोजेट के अंदर इसको खोल कर नहीं देखा था, ये डॉल इसी के अंदर मिली है मेरे को। तो भाई चलो भाई अब अपना काम हो गया, और ये मुर्गा यहाँ पर डोल रहा है। चलो भाई ये मुर्गे क्या कर रहा है यहाँ पे, तू भाग यहाँ से। चलो भाई 20 सेकंड लगेंगे अब अपन को, 20 सेकंड तक अपन इसमें छुप कर इंतज़ार करेंगे। चलो भाई नन आ गई, नन ऊपर की ओर जा रही है। अब अपन 20 सेकंड तक इसी में इस लॉकर में ही छुप कर रहेंगे। अब 20 सेकंड का इंतज़ार करना पड़ेगा भाई। ये देखो इस मुर्गे को देखो, ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है ये भी। चलो भाई अपना काउंटिंग पूरी हो चुकी है, अपना माल तैयार हो चुका है, अब जल्दी से इसको डॉल को लेकर मेरे को ऊपर जाना है। लेकिन ऊपर तो नन है भाई, देखते हैं इस डॉल को फेंक कर देखता हूँ ताकि साउंड होगा और वो नन नीचे आ जाएगी। आ जा भाई नन जल्दी से आ जा, अभी भी नहीं आ रही। चलो ऊपर की ओर अपन ही चलते हैं और नन को बुला कर लेकर आते हैं। कहाँ है भाई नन, मेरे को डर लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से आएगी वो। इधर चलकर देखते हैं, इधर उतरी येरी नन, येरी इधर की साइड है भाई। चलो जल्दी से नीचे, पहले नन को अपने अपने पीछे पीछे बुलाऊंगा मैं, फिर बाद में करेंगे अपना काम। आ जा भाई नन आ जा, जल्दी जल्दी आ जा तू। नन को पहले इधर एक राउंड कटवाऊंगा मैं, पहले आने देते हैं इसको पूरा नीचे। आ जा भाई नन आ जा, मैं उचक उचक के यहाँ पर खेल के लूँगा इसके साथ। चलो भाई जंपिंग जपा कर रहा हूँ भाई मैं, ये ऐसे भाई ऐसे जंप लगा रहा हूँ मैं। नन नीचे की ओर आना भाई, इधर क्यों आई है तू ऊपर। ये देखो गाइस, पहले मेरे को इससे नीचे उतरना पड़ेगा तभी ये जाके नीचे आएगी। अब जल्दी जल्दी मैं अपनी स्पीड बना लेता हूँ, यहीं से मैं ऊपर जाऊँगा गाइस। अब मैं सीढ़ियों का सहारा नहीं लूँगा, यहीं से जाऊँगा जंप मार के। ठीक है गाइस, थोड़ी ऊँची ऊँची जंप मार लेता हूँ। आ गई भाई नन भी आ गई, ये लो मैंने मार दी जंप। अब मैं जल्दी से इधर होके निकल लेता हूँ, कहाँ है भाई रास्ता, ये रहा ये रहा यहाँ रहा। चलो भाई इस क्रैंक को भी खोल देते हैं, ये खोल दिया मैंने क्रैंक, और जल्दी से मैं छुप जाता हूँ यहाँ पे। और अब मैं डोल का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, इसके अंदर बैठ कर ही करना है डोल का इस्तेमाल। तो चलो भाई कर लेते हैं डोल का इस्तेमाल, ये नन तो उधर की साइड गई। तो चलो भाई मैंने डोल का इस्तेमाल भी कर लिया है, गई नन और। तो ठीक है भाई, अब मेरे को वाला ये जो लटक रहा है ना, इसको फोड़ना है मेरे को यहीं पे। तो गाइस ये फोड़ दिया मैंने, ये फोड़ दिया, वाओ। और लगता है मेरे को मिल गया, मास्क भी मिल गया शायद मेरे को, अभी तक आग लग रही है यहाँ पे। तो चलो भाई लगता है मेरे को मास्क का पीस भी मिल गया। कहाँ है भाई, नीचे कूदना पड़ेगा। ये मारी मैंने जंप यहाँ से, ये मार दी जंप, और जल्दी से मैं इस मास्क के पीस को उठा लेता हूँ। ये रहा मिल गया गाइस मुझे मास्क का पीस, अब जल्दी से इसे उसके अंदर लगा देते हैं और हमारा मास्क को एक्टिवेट। ओ भाई नन है यहाँ पे, पहले इस नन को एक बार और चक्का लगवा देता हूँ मैं। जल्दी से आ जा भाई नन, मेरे पास टाइम नहीं ज़्यादा फालतू बकवास करने का तेरे साथ। ठीक है भाई, नन को मैंने चकमा दे दिया है और मैं जल्दी से जाके इस मास्क को पूरा कर दूंगा और मास्क अपना एक्टिवेट हो जाएगा। तो ठीक है गाइस चलते हैं जल्दी से और लगाते हैं इस मास्क के पीस को उसके।
और करते हैं मास्क को कंप्लीट। ये लगा दिया मैंने वुड प्लैंक और जल्दी से चलते हैं अब। चलो भाई ये फिट कर दिया मैंने, ये कहाँ पर होगा भाई, यहाँ पर होगा ना। ये लो गाइस हमारा मास्क पूरा हो चुका है। तो ठीक है गाइस, ग्रेल भी जा चुका है अपना वापस से। और गाइस अब हम अगले पार्ट में ना बलून एस्केप करेंगे। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही, अगले पार्ट में हम बलून एस्केप करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।